हेलो भाई, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ऐड वन रो टू ट्री। तो हम लोग का ये मार्स लीट कोड चैलेंज का डे 9 का है। तो हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया गया है और हम एक वैल्यू भी है, डेप्थ भी है। तो हम लोग को एक रो इंसर्ट करना है एट डेप्थ डी, और जितना भी नोड होगा सारा का वैल्यू भी होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को डेप्थ टू पे वन इंसर्ट करना है। तो हम लोग का रूट का डेप्थ वन है, ठीक। तो रूट का डेप्थ ये वन है, तो सिकेंड पे हम लोग को वो वन रिटर्न करना है, वन इंसर्ट करना है। तो इसमें वन इंसर्ट कर दिए और इसका वन इंसर्ट कर दिए इसके लेफ्ट और राइट में। तो ये सिकेंड डेप्थ जो भी होगा उस पर हम लोग को वन मतलब टू, जो भी सिकेंड डेप्थ है ये फर्स्ट डेप्थ है, सेकेंड डेप्थ है, तो सेकेंड डेप्थ पे वैल्यू वन इंसर्ट कर देना और उसके बाद जैसे था नोड वैसे डाल देना है। तो फोर के लेफ्ट में क्या था, फोर के लेफ्ट में ये था, तो ये ऐसे का ऐसे ही डाल दिए। तो फोर के डेप्थ में ये टू गया और ये थ्री था, ये वन था, जितना भी से सब ट्री था इसका फोर का, तो वो सब ट्री लेफ्ट में था तो लेफ्ट में डाल दिए। और फोर के राइट में क्या था, सिक्स था, तो ये तो इंसर्ट कर दिए, तो वैसे ही राइट में था तो सिक्स डाल दिए जैसा वो सब ट्री था। ये जो सब ट्री है और ये सब ट्री था, जैसे ये फोर के लेफ्ट में था तो लेफ्ट में डाल दिए, राइट में था तो राइट में डाल दिए, और ये हम लोग नोड जो भी सेकेंड डेप्थ पे डालना था वो डाल दिए। तो ये यही क्वेश्चन कह रहा है। फिर से सेकेंड एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे तो डेप्थ थ्री पे डालना है, तो डेप्थ वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री ये हो गया, तो थ्री पे डालना है तो फोर डाल दिए, ये सेकेंड हो गया। थर्ड पे क्या डालना है, थर्ड पे वैल्यू कितना है, वन डालना है और यहाँ भी वन डालना है, ठीक, डाल दिए। अब टू के, टू का सब ट्री हम वन में डाल देंगे, तो टू का सब ट्री लेफ्ट में था तो ये थ्री है, तो ये थ्री यहाँ डाल दिए, और टू का सब ट्री राइट में क्या था, वन था, तो इसके राइट में डाल दिए, तो ये हम लोग का फाइनल है। तो यही करना है। और मानिए हम लोग को इंसर्ट डेप्थ वन पे ही करना हो, तो वन पे ही करना हो तो हम लोग डायरेक्ट वो वैल्यू को, मानिए वैल्यू फाइव है, तो फाइव को कर दिए और उसके ये तो सिर्फ लेफ्ट ही में बचेगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, तो ये डायरेक्ट हम लोग लेफ्ट में कंबाइन कर देंगे। लेफ्ट में ही करना है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे यहाँ पे जो अगर डेप्थ वन हो तो न्यू रूट के लेफ्ट सब ट्री में रख देना है। तो ये सिंपल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ वन का होगा तो डायरेक्ट, अगर डेप्थ वन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नया एक नोड बनाएंगे जो भी वैल्यू होगा उसका वी का, और उसके लेफ्ट में रख कर और रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम लोग को डेप्थ टू का काम करना होगा, तो डेप्थ मतलब डेप्थ जो भी होगा तो आसानी से हम लोग क्यों ना रूट से ही डाल दें। तो हम ये वन है, ये टू है, ठीक, तो हम लोग को टू डालना है तो हम लोग वन के लेफ्ट और राइट में डालेंगे ना, क्योंकि टू लेवल पे जाना है तो इसको तो थर्ड लेवल पे पहुंचाना है ना, तो हम लोग सेकेंड लेवल पे चले जाएंगे तो एक ऊपर ही रह जाएंगे। तो हम लोग को मानिए टू लेवल पे जाना है तो हम लोग वन लेवल से ही डाल देंगे और इसका जो भी सबट्री होगा वो नया नोड होगा उसके लेफ्ट राइट जहाँ भी होगा वहाँ डाल देंगे। तो चलिए कोड से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, तो कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नोड बना लेते हैं। अगर मानिए अगर डेप्थ वन है, अगर डी वन हो गया तो क्या हो जाएगा, डेप्थ वन होगा तो हम लोग को डायरेक्ट एक नया नोड बनाना है जिसका वैल्यू भी हो, तो थ्री नोड है, न्यू नोड लिख देते हैं, ठीक, न्यू नोड बना दिए। इसका वैल्यू क्या होगा, भी होगा, ये बना दिए और न्यू नोड के लेफ्ट में डालना था, क्वेश्चन में लिखा था, तो न्यू नोड के लेफ्ट में क्या डाल दिए, रूट डाल दिए, रूट को डाल दिए। अब हम लोग रिटर्न कर दिए जो भी नया नोड है, ठीक, नहीं तो हम लोग फिर से एक प्री ऑर्डर कॉल कर देते हैं, वो जो रिटर्न करेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो प्री ऑर्डर कर देते हैं रूट और वैल्यू और देव, ये जो भी रिटर्न करेगा वो कर देंगे। तो हम लोग अपना प्री ऑर्डर बना लेते हैं, तो ये ट्री नोड टाइप का रिटर्न करेगा। इंट ये वैल्यू हो गया और ये डेप्थ ले लेते हैं। अगर रूट नल हुआ तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे,
नल ही रिटर्न करेंगे ना। हाँ अगर डेप्थ टू हुआ, डेप्थ अगर टू होगा तो हम लोग यहीं से कर देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे है ठीक, क्योंकि डेप्थ वन है, ये डेप्थ टू हो गया। हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ को घटाते जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रिकर्सन जैसे पास करेंगे, जैसे हम लोग को लेफ्ट रूट का लेफ्ट निकालना है, तो फिर से हम लोग रिकर्सिव कॉल कर दिए रूट का लेफ्ट, और वैल्यू वही रहेगा और डेप्थ हम लोग घटाते गए ठीक, जैसे रूट का राइट को कॉल करना है तो वो यहीं से कर दिए कॉल। और यहाँ से रूट रिटर्न रूट कर दिए ठीक, हम लोग डेप्थ घटाते जा रहे हैं। तो हम लोग एक समय ऐसा होगा जो हम लोग डेप्थ वन पे हैं, और मतलब डेप्थ टू है तो डेप्थ टू पे डालना है, तो मतलब डेप्थ वन ये हुआ टू पे डालना है, तो हम इसके लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे, तो वही कर रहे हैं। अगर डेप्थ टू हो तो डेप्थ टू हो तो इसके लेफ्ट और राइट के लिए में डालने के लिए हम लोग को नोड बनाना होगा, तो हम लोग बना लेते हैं जो भी ट्री नोड टाइप का है, लेफ्ट नोड नाम दे देते हैं ठीक। इसका वैल्यू ये डाल देते हैं, फिर राइट भी बना लेते हैं। ठीक बना लिए। अब लेफ्ट लेफ्ट नोड के लेफ्ट में क्या होगा, जो कि रूट के लेफ्ट में होगा, और राइट नोड के राइट में क्या होगा, जो कि रूट के राइट में होगा, और रूट के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, जो कि लेफ्ट नोड होगा, और रूट के राइट में क्या होगा, राइट नोड हो जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पे जैसे हम लोग को यहाँ पे डालना था, तो क्या किए हैं, फोर के लिए एक वन बना लिए हैं, ये वन बना लिए हैं, और इसके लेफ्ट में क्या होगा, जो कि इसके लेफ्ट में था, रूट के लेफ्ट में जो भी था डाल दिए, इसके राइट में क्या होगा, जो कि वन हुआ, तो जो कि रूट के राइट में था तो ये डाल दिए, और फिर से ये कनेक्शन बना दिए, रूट के लेफ्ट में लेफ्ट नोड और रूट के राइट में राइट नोड, ये मैच कर दिए। और यहाँ से हम लोग मैचिंग कर दिए, तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, जो भी रूट होगा, और अगर ये डेफ टू नहीं है तो हम लोग और नीचे जाते जाएंगे, जब तक ये घटते घटते डेफ टू ना आ जाए, डेफ टू आ जाएगा तो इनका काम यहीं से करके रिटर्न कर देंगे, नहीं तो रिकर्सिवली ये कॉल होगा आगे, नहीं अगर डेफ टू रहा होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इसी को। ये तो मैच कर रहा है, करते हैं एक्सेप्टेड। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।